नमस्कार, स्पेक्ट्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रणीता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अनाउंस किया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। यानी अब से जो खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से सम्मानित होंगे। खेल रत्न अवार्ड भारत में हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, यानी सबसे बड़ा खेल सम्मान है जो किसी भी खिलाड़ी को दिया जाता है। इतने सालों तक इसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। खेल रत्न अवार्ड 1991 से 1992 में इंस्टीट्यूट किया गया था और इसको सबसे पहले पाने वाले लेजेंडरी चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद थे। ये अवार्ड हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से दिया जाता है। 4 साल के मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स या फिर परफॉर्मेंसेस जो होते हैं स्पोर्ट्स में, उसके बेसिस पे यह अवार्ड दिया जाता है, जहां पर मेडल, सर्टिफिकेट और 25 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाता है। कुछ अवार्ड विनर्स जैसे कि लियांडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई जो हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, फिर अभिनव बिंद्रा जो कि एक शूटर रह चुके हैं, फिर मैरी कॉम, अंजू बॉबी जॉर्ज, उन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, ये चीफ नेशनल कोच है इंडियन नेशनल बैडमिंटन टीम के। 2020 में रानी रामपाल भी इससे सम्मानित हुई है। अभी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि रानी रामपाल किस खेल से जुड़ी है। कुछ पॉइंट्स हम मेजर ध्यानचंद के बारे में भी जान लेते हैं। वे एक दिग्गज हॉकी प्लेयर थे। इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स कमाए हैं, 1928 में, 1932 में और 1936 में। भारत में इनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, जो होता है 29 अगस्त को। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। जाते जाते और एक सवाल मैं करना चाहूँगी, तो सवाल ये है कि आपको उस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताना है जिसने अभी अभी ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और उन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आपके लिए और आसान कर देते हैं, एक हिंट मैं आपको देना चाहूँगी कि वे एक महिला वेट लिफ्टर है। जी हाँ, तो अब तो तुरंत ही आपको जवाब मिल गया होगा। ये था दूसरा सवाल, और जो पहला सवाल मैंने पूछा था कि रानी रामपाल किस खेल से जुड़ी है, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।